इंस्टाग्राम और यूट्यूब की अभिनेत्री शहनूर का नया सॉन्ग बदन पे सीता रिलीज हो चुका है, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यह गाना फैंस को इतना पसंद आ रहा है कि अब इसको 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अभिनेत्री शहनूर अपने निजी कार से इंदौर आई, जहां वे वंदे भारत न्यूज के ऑफिस पहुंची। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत न्यूज के डायरेक्टर से भी मुलाकात की। वंदे भारत न्यूज के डायरेक्टर कमल सिंह ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान शहनूर ने भी वंदे भारत न्यूज के ऑफिस में अपने दिल की बात कही। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और स्वागत है आप सभी का वंदे भारत न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं शहनूर, जिनका हाल ही में एक एल्बम रिलीज हुआ है बदन पे सितारे लपेटे हुए विद आसिफ रियाज। जी मैम, आपको बहुत स्वागत है हमारे वंदे भारत न्यूज में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक की आपकी यात्रा कैसी रही यहाँ तक पहुँचने के लिए? अब तक की यात्रा तो बहुत डिफिकल्टीज रही, क्योंकि पता है स्टार्टिंग में कोई भी आप इंडस्ट्री में जाओ तो मतलब इतना आसान होता नहीं है, तो काफ़ी सारे डिफिकल्टीज मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे ऑडिशन एंड ऑल दैट, ये सारे सब कुछ होते हैं जो इंडस्ट्री में देना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है कि हाँ चलो इसमें भी ये एल्बम में दिख गए, ये एल्बम में दिख गए, इट्स नॉट दैट ईजी। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बी हियर। इंस्पिरेशन, इट वॉज माई ड्रीम टू बी ऑन अ सिल्वर स्क्रीन स्क्रीन। सो बचपन से ही मुझे था कि आफ्टर स्टडीज यू नो आई वॉन्ट टू बी ऑन अ बिग स्क्रीन एंड ऑल दैट, तो अभी स्टडीज कम्प्लीट हो गई, सारा सब कुछ हो गया, तो फिर आई सोचा कि वाई नॉट to get into this industry, so I was just trying my luck, so okay. I'm so lucky. You're doing it, So वैसे like my family and my friends, and especially I wanted to thank my director, who's always been very supportive to me. I mean, you know, Aman Prajapat sir, he's been very supportive and I'm very comfortable to work with. He's been there, you know, to understand, you know, what all hurdles I've been going through while shooting ke dauran and all that. Obviously bahut problems aate hain, koi cheez ho usko karne ke liye koi na koi motivation ki bhi zarurat hoti hai, ye support persons bhi hona chahiye. Ma'am, we just want to know ki aap hamari aur aapke bahut sare followers hain, fans hain, unse kya bolna chahenge ki is corona ke time pe jaise ki abhi bahut sare cases badh rahe hain, कर्फ्यू भी लग गया है इवनिंग नाइट 10 टू लेके मॉर्निंग 6 तक का, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? देखो, कोरोना अभी भी है, लोगों को लगता है कि कोरोना नहीं है, या फिर लोगों को ये भी लग रहा है कि चलो लेट इट गो मतलब है, झेल लेंगे, जो आएगा देखा जाएगा, बट प्लीज़ इतना ईजी मत लिए, क्योंकि पता है मैं भी कल तक मैं भी ये सोचती थी कि चलो ठीक है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि बिकॉज मेरे आंखों के सामने मैंने इतने सारे मतलब मेरे बिल्डिंग में हो या फिर कहीं हो बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स देखे, सो डोंट टेक इट ईजी एंड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, स्पेशली व्हेन यू आर आउट एंड कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स एंड एवरीथिंग। वैसे ही अभी वेडिंग सीजन चालू हो गया है, तो लोगों में वैसे भी नहीं रहेगा, बहुत सारी गैदरिंग्स हुए, फेस्टिवल्स भी गए, दिवाली गई, लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं बची है, मुझे तो ये लगता है कि लोगों में से वो डर ही चला गया कि कोरोना आया था और निकल गया। राइट, ओके। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये वाला जो सॉन्ग है अभी आपका आया है, तो उसमें आपका असीम रियाज सर के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस वॉज गुड, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था कि मतलब जो डायरेक्टर है ही वॉज वेरी सपोर्टिव, मोटिवेशन होता था ना, तो मुझे कभी कभी कैमरा शायद था ही नहीं, बिकॉज बचपन से यू नो मुझे वो आदत थी कि चलो ठीक है ये स्क्रिप्ट ले लिया तो फिर मैंने उस पर एक्ट कर लिया, सामने बचपन से आई वॉज फेसिंग कैमरा, सो मुझे इतना लाइक यू नो डिफिकल्टीज ना, क्योंकि बहुत लोग कैमरा शाय बहुत होते हैं, जैसे कि कैमरे के एकदम बाहर आ जाते तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट जैसे कैमरा ऑन हो जाता है तो यू नो फ्रीज हो जाते हैं, सो बट अमन सर मेड मी वेरी कम्फर्टेबल, सो या इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल। या तो ये थे मैम हमारे साथ में, जिन्होंने अभी तक उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, कोरोना के लिए आपको बचना कैसे है ये भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए।